नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शरद बाघेला। आइए देखते हैं एक्सप्रेस स्पेशल और शुरुआत करते हैं कांकेर के अंतागढ़ से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिलने की शिकायतें आम हो गई है। यहां ना तो डॉक्टर समय पर आते हैं और ना ही ड्यूटी पर पहुंचते हैं और ना ही अन्य स्टाफ मरीजों की देखभाल में रुचि दिखाता है। अस्पताल में 5 MBBS डॉक्टर हैं, फिर भी अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि आसपास के तमाम ग्रामीण इलाकों में मरीजों के लिए अंतागढ़ का एकमात्र अस्पताल ही सहारा है। ऐसे में परेशान लोगों ने इस पूरे मामले की शिकायत विधायक से की है ताकि स्थिति में सुधार हो सके। इस संबंध में मैंने आज तत्काल जिला के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर महोदय को भी मोबाइल फोन से अवगत कराया है। देखते हैं आगे क्या इन पर कार्रवाई करते हैं और हॉस्पिटल में क्या सुधार आता है, इसका इंतजार करना। और हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए इशाक खान जुड़ चुके हैं अंतागढ़ से सोरा संवाददाता। इशाक, हम आपसे जानना चाहेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं और वो 5ों पदस्थ भी हैं, बावजूद इसके ये 5ों अस्पताल आते क्यों नहीं हैं? जी सर, जी मैं बताना चाहूंगा कि ये आए दिन का किस्सा हो गया है। 11:30-12 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आते हैं ड्यूटी पे, और 5 MBBS डॉक्टर हैं, 1 RMO डॉक्टर की नियुक्ति की गई है स्वास्थ्य विभाग में, उसके बाद भी ये आलम हमेशा बना रहता है। हम जानना चाहेंगे जो वहाँ पर मरीज आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि डॉक्टर नहीं आते हैं तो उनको क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि जब अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो फिर उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम क्या करते होंगे मरीज? मरीज गाँव से आते हैं, मरीज 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर से मरीज आते हैं कि एक बेहतर उपचार हो जाए, लेकिन यहाँ आलम यह रहता है कि डॉक्टर ही नदारद रहते हैं, थक हार कर या वापिस चले जाते हैं या झोला छाप डॉक्टरों के पास अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। यानी कि मजबूर मरीजों को झोलाछाप डॉक्टर पर पहुंचना पड़ता है। ऐसे में आपसे एक बड़ा, हमारे साथ अनूप नाग जी जुड़ चुके हैं जो कि विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अनूप जी, एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाह रहे हैं, शायद आपके संज्ञान में भी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़, जो कि कांकेर के अंतागढ़ में पड़ता है और उत्तर कांकेर का क्षेत्र में पड़ता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपने भी इस बारे में कहा है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी। आखिर जानना चाहेंगे कि लंबे समय से जो डॉक्टर हैं, 5 डॉक्टर उस अस्पताल में पदस्थ हैं, बावजूद इसके वो आते नहीं, क्या वजह मानी जा सकती है इसके पीछे? फिर से बोल दिया, थोड़ा जल्दी बोल दिया। मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो कि अंतागढ़ में है, उस अस्पताल में 5 डॉक्टर के पद हैं और वो पदस्थ हैं, ऐसे में वो डॉक्टर वहां आते क्यों नहीं, क्या ऐसी वजह है जिसके कारण ये डॉक्टर वहां पहुंचते नहीं है? जी, आपके पास जो समाचार सूचना मिली है बिल्कुल पूरी सत्य है। कल की बात है, कल अब हमारे क्षेत्र के जो मरीज हॉस्पिटल में आए थे 11:20 तक जी, तब तक हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर के बावजूद भी कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचे थे, जिसकी जानकारी मुझे मिली। मैं तत्काल हॉस्पिटल में गया, निरीक्षण किया, तो वास्तव में एक भी डॉक्टर नहीं थे, मरीज इधर उधर दवाई इलाज के लिए भटक रहे थे जी। जिसकी जानकारी तत्काल मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी और जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया हूं, और वहां कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वस्त किए थे कि इस जांच करवा कर वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। अनुप जी, आप कुछ चीजें जानना चाहूंगा। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा, समस्या का हल होना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्र है, 5-5 डॉक्टर हैं, उसके बाद भी ये अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को शासन देखना चाहिए, इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, तभी कुछ सुधार आएगा। अनुप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस वक्त आप अस्पताल पहुंचे थे तो क्या उस वक्त डॉक्टरों ने ये जहमत उठाई कि वो अस्पताल पहुंचे, क्योंकि विधायक, स्थानीय विधायक वहां पहुंचे हैं तो कम से कम उन्हें उस दौरान आना चाहिए, तो क्या आपकी मौजूदगी में भी डॉक्टर आए थे तो भी नजारत थे वो? ना, जैसे उनको पता चला कि विधायक भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं जी, डॉक्टर श्री रामटेके जी जो यहाँ के बड़े सीनियर डॉक्टर हैं जी, वो जरूर आए जी। ये भी मैंने कहा था कि ये इतने विलम्ब से आप लोग कैसे आ रहे हैं जी। और उसके बाद जो वहाँ का BMO है डॉक्टर गोटा जी, उसके संबंध में जानकारी लिया, उनसे मैं मोबाइल फोन से चर्चा किया,
तो वो अपना काकिर मीटिंग में जाना बताया, जबकि मैं जिला चिकित्सा अधिकारी से जब इस बात की पुष्टि करना चाही तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि हमारे काकिर में ऐसी कोई मीटिंग बैठक नहीं है। जी, क्या लगता है अनुपम जी, इस पूरे मसले को आपने खुद अपनी आंखों से देखा, क्या लगता है ये पूरा मसला विधानसभा में उठाने की कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। बस यहाँ डॉक्टर MBBS मिलते नहीं है करके इसका ऐसे बहानाबाजी कर रहे हैं कि अब क्या कहें इन लोगों को। मगर इतने जिन्हें हम भगवान तुल्य मानते हैं, हम जिनके पोस्ट पर आस्था रखते हैं, उनके अंदर भी सेवा भाव होनी चाहिए जो कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए, आपके जो दौरे के बाद यदि आज की बात की जाए तो आज की व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला? हम यहाँ से मैं पता लगाया गोपनीय ढंग से तो आज 8 बजे से ही सारे डॉक्टर अपने कर्तव्यों में निर्वहन करते देखे गए पाए गए। जाहिर सी बात है, यानी कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका जो दखल था वो कहीं ना कहीं मरीजों के हित के लिए रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप नाग जी हमसे जुड़ने के लिए, यानी कि आपकी जो पहल थी, आपने जिस तरह अस्पताल पहुंचे और आपने जो एक अपना कर्तव्य दिखाया, जिस तरह जनता ने आपको चुन के भेजा है और जनता के लिए आप वहां पहुंचे और उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला कि आज सभी डॉक्टर समय के तय समय पर वहां पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप नाग जी हमसे जुड़ने के लिए, और साथ में इशाक खान हमारे साथ लगातार जुड़े थे अंतागढ़ से संवाददाता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।